So students, now we will discuss the examples about the mole concept. See the example 3.4, that is calculate the mass of the following ka mass calculate karna hai hame. Kiska? Pehla hai 0.5 mole of nitrogen gas, yani ki mass from mole of the molecule. Ab ek इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टू वेज़ हैं. फर्स्ट वे तो ये कि ये जो फॉर्मूला गिवन है कि मास निकालने के लिए हम मोलर मास, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स करेंगे, ठीक है. दूसरा तरीका है जो हमने एवोगैड्रोज नंबर में पढ़ा था कि वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वन मोल इज इक्वल टू 28 ग्राम, ठीक है. यानी कि जो वन मोल है वो 28 ग्राम है, उसका मास 28 ग्राम है. और अगर हमें 0.5 मोल में निकालना है तो इसका जस्ट हाफ, ठीक है, यानी कि 14 ग्राम हो जाएगा. तो हम इस इजी तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकंड पार्ट देखो बेटा, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, यानी कि नाइट्रोजन एटम के 0.5 मोल का मास निकालना है. एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम, ठीक है, और वो किसके इक्वल टू होता है, वन मोल के इक्वल टू होता है. यानी कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम वेज 14 ग्राम. ओके, हमें 0.5 मोल में निकालना है, इट विल बी जस्ट 7 ग्राम. या फिर हम वही फॉर्मूला लेंगे, यानी कि मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स. इस फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है बेटा, 3.011 इंटू 10^23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. अब की बार हमें मास किससे कैलकुलेट करना है, नंबर से कैलकुलेट करना है. इसके लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर. कैसे करेंगे इसको, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है. इसको हम एन से डिनोट करेंगे और इसको एन नोट से डिनोट करेंगे, ठीक है. ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या वैल्यू दी हुई है, 3.011 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10^23 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.5 मोल्स. देन अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मास के लिए. क्या फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स. मोलर मास नाइट्रोजन एटम का कितना रहेगा, 14 ग्राम इनटू 0.5, इट कम्स आउट टू बी 7 ग्राम. सो द मास ऑफ द नाइट्रोजन एटम फ्रॉम नंबर कम्स आउट टू बी 7 ग्राम.
नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट 6.022 × 10³ नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। इससे हमें मास निकालना है। फिर से हमें मास किससे कैलकुलेट करना है? नंबर से। सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, एन डिवाइड बाय एन नोट गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, उसके बाद मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मोलर मास क्या है 28 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास सेम ही रहेंगे क्योंकि एक एवोगैड्रो नंबर भी 6.022 × 10³ है। यानी कि हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि अगर हमने इस तरह से किया देन वी विल गेट 1 मोल, सो द मास कम्स आउट टू बी 28 ग्राम। दिस वॉज द एग्जाम्पल 3.4। एग्जाम्पल 3.5 इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले निकालना है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। एटम है यानी कि एक सोडियम एटम का मास 23 ग्राम। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, हमें ध्यान रखना है कि इस बार हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। गिवन मास हमारे पास 46 ग्राम है जिसमें से हमें कैलकुलेट करना है, और एक सोडियम एटम का मास 23 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें इन 2 मोल्स के अंदर पार्टिकल्स निकालने हैं। तो 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 × 10³, तो 2 मोल में कितने होंगे 12.044 × 10³। सेकेंड पार्ट है इसका 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं फ्रॉम मास। ठीक है, फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम एटॉमिक मास लेंगे ऑक्सीजन का। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मास, किसका दिया है हमें? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिया गया है। मॉलिक्यूल मतलब 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फोर वन ऑक्सीजन एटम, देन मॉलिक्यूल क्या होगा 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम। ठीक है, अब हम एन कैलकुलेट करेंगे। कितना दिया गया है हमें गिवन मास 8 ग्राम, और हमारे पास मोलर मास क्या है 32 ग्राम। ये हमारे पास एन आ जाएगा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। कितना आते हैं ये 0.25। तो 1 मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं 6.022 × 10³। 0.25 मोल्स में हमारे पास कितने होंगे 6.022 × 10³ × 0.25, एंड वी विल गेट 1.5055 × 10³। ओके, नेक्स्ट पार्ट है बेटा 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कॉन्स्टिट्यूट करता है 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। ठीक है, 0.1 कितने कॉन्स्टिट्यूट करेगा 0.1 × 6.022 × 10³, इट कम्स आउट टू बी 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। ओके,
देखो बेटा, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है. इफ़ वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम, व्हाट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन. तो वन मोल मतलब 6.022 × 10²³, ये किसके इक्वल है? 12 ग्राम के. हमें मास ऑफ वन एटम निकालना है, तो हम करेंगे 12/6.022 × 10²³ एंड वी गेट द आंसर. सिंपली कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में है कि 6.022 × 10²³ एटम है, उनका मास 12 ग्राम है, यानी कि हमारे पास 10 पैन है और वो सारे मिलकर 12, सपोज करो फॉर एग्जांपल कि 10 पैन है और उनका वेट 12 ग्राम है, तो एक पैन का वेट पूछा गया है, तो जितना टोटल वेट है डिवाइड बाय वन पैन कर देंगे ना. इसी इतना ही सिंपल है मोल कंसेप्ट को समझना. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स. 100 ग्राम सोडियम लिया गया है और दूसरा लिया गया है 100 ग्राम ऑफ आयरन. ठीक है, दोनों के मास दिए गए हैं. पूछा गया है कि इन दोनों में से मोर एटम्स किसके कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. 23 ग्राम सोडियम का मतलब है 6.022 × 10²³ एटम्स, यानी कि इज़ इक्वल टू 1 मोल. 100 ग्राम में कितने हो जाएंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 100/23. अब जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 × 10²³ से, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे हमारे पास. वो क्या आया है, 2.6182 × 10²24 एटम्स. ठीक है, अब हम 56 ग्राम ऑफ आयरन की बात करते हैं. 56 ग्राम ऑफ आयरन, क्योंकि हमें पता है एक आयरन एटम का मास कितना है 56 ग्राम, वो किसके इक्वल है 6.022 × 10²23 एटम्स के, वो किसके इक्वल है 1 मोल के. हमें 100 ग्राम आयरन में बताना है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. कैसे, 100/56, आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स टू द 6.022 × 10²23, और इस तरह से वी विल ऑब्टेन 1.075 × 10²24 एटम. अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा हैं. 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स मोर एटम्स. इसको सिंपली अगर समझें तो देखो, एक कोई क्वांटिटी है और उसका वेट है 23 ग्राम, और एक कोई क्वांटिटी है उसका वेट है 56 ग्राम, तो 100 ग्राम में किसका नंबर ज़्यादा होगा, नंबर किसका ज़्यादा होगा, जिसका वेट कम है उन्हीं का तो नंबर ज़्यादा होगा ना, यानी कि सोडियम का ज़्यादा होगा. ठीक है, सिंपल टर्म्स में इस तरह से हम इसको समझेंगे.